नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। थाना दिनेशपुर ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत रविवार को जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एसओ दिनेश फत्रियाल की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने टुकटुक यूनियन दोपहिया वाहन समेत स्थानीय लोगों को मादक पदार्थ के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थ से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना को थाने में दर्ज कराने की अपील की है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत महामंत्री प्रसन्नजीत शाह ने कहा कि जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज एसओ दिनेश फत्रियाल के निर्देशन में हमारे टुकटुक यूनियन में जितने भी चालक हैं उनकी मीटिंग ली गई और उसमें हमें ये भी बताया गया है कि अगर हमारे आसपास कोई नशा करते हुए दिख रहा है और कोई किसी को परेशान कर रहा है या कोई नशे को बेच रहा है तो उसको हमें जानकारी देनी है। साथ ही कोरोना का दौर चल रहा है, महामारी फैल रही है, उसके लिए चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सवारी बिछाए उसकी जानकारी लें और कोई बाहर से आ रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। जो ड्रग्स का अभियान चल रहा है, ड्रग्स सप्ताह मनाया जा रहा है, जागरूकता सप्ताह, उसमें ये टुक टुक टेम्पो और जो यहाँ के लोग हैं स्थानीय लोग उनको बुला के उनको ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में और उससे बचने के उपायों के बारे में ये बताया गया। तो सभी से अपील की गई है, अगर इस तरह की कहीं सूचना किसी के पास हो ड्रग्स के संबंध में या कोई स्मैक बेच रहा है या कोई और ड्रग्स बेच रहा है तो उस संबंध में थाने को सूचना दें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। तो यही बताया गया लोगों को कि सभी लोग मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो वो भी जब घर जाते हैं तो कम से कम बच्चों के ऊपर ध्यान रखें कि उनके बच्चे किस समय आ रहे हैं, किस समय जा रहे हैं। तो इससे मतलब जागरूक किया गया, नशे से बचने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। ये अभियान एक सप्ताह का पूरा अभियान है, पूरे प्रदेश में या पूरे विश्व में चलाया जाए। जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज एस साहब ने हमें निर्देश दिया था कि हमारे जो टुक टुक यूनियन के जितने भी चालक हैं उनकी एक मीटिंग ली। उसमें हमें ये बताया कि अगर हमें कहीं भी आसपास कोई नशा करते दिख रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है या कोई नशा को बेच रहा है तो उसके लिए हमें जानकारी देनी है। साथ ही कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी फैल रही है, उसके लिए भी सारे चालकों को निर्देश दिया है कि जो भी सवारी बैठा है वो जानकारी से बैठा है, उनका नाम नोट करें, कहीं से बाहर से आ रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें।